बाढ़ की विभीषिका किस तरह लोगों को परेशान कर रही है इसकी तस्वीरें हम आप दिखा रहे हैं कि तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ये घर में पूरी तरह से पानी प्रवेश कर चुका है। लोग इसी पानी के बीच में रहने को विवश है और ये आप तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि एक घर है और इस घर के बीच में आप लगातार देख सकते हैं कि हर जगह पानी ही पानी, हर घर में पानी ही पानी है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस पानी घर में कम से कम ये जांघ तक पानी पूरी तरह से फैल चुका है और यहाँ के लोग इतने ही पानी के बीच में रहने को बाध्य होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि परेशानी कितनी है और यह परेशानी के बीच में रहना इन लोगों के लिए एक आदत सी हो गई है क्योंकि बाढ़ का पानी लगातार प्रवेश कर चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये घर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, चारों ओर पानी ही पानी है और जहाँ भी हमारी नज़रें जाएंगे सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रही है। देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ के लोगों के जीवन यापन इसी पानी के बीच में हो रहा है और लगातार जिस तरह से आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति हैं इस घर में इसी पानी के बीच में रहने को बाध्य होते हैं। इनके पूरी तरह से जो चारपाई है वो सब पानी के बीच में डूब चुका है और ये तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पूरी तरह से जांग पर पानी फैल चुका है और इसी पानी के बीच में ये आप तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि ये पलंग है, ये सभी चीज़ इसमें पानी के बीच में डूब चुका है और इसी पानी के बीच में ये चारपाई भी है वो भी डूब चुका है। तो हम जानना चाहेंगे इनसे, एक व्यक्ति से, कि आप तस्वीरें इनका एक सबसे बड़ी चीज़ देख सकते हैं कि ये आप इनके पैर के भी तस्वीरें देख सकते हैं कि ये पानी के बीच में रह करके इनके पैर कितना सड़ चुका है और पूरी तरह से इनका पैर पानी से ये बर्बाद हो चुका है। तो लगातार पानी में रहना ही एक सबसे बड़ी समस्याएं हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये बताइए इस तरह से पानी के बीच में आप रह रहे हैं, पूरी तरह से पानी आपके घर में चारों ओर फैल चुका है तो कितनी समस्याएं हो रही है और जिला प्रशासन की तरफ से या कोई प्रतिनिधि की तरफ से कोई सुविधा मिली? जी सर, देखिए जुलाई से, जून जुलाई से बारिश होता है, बाढ़ आता है और अगस्त में भी बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गया और इससे हम लोगों को बहुत परेशानी हो रहा है। और ये चौकी है और एक खटिया है, इसमें चौकी का पौवा तो डेढ़ फीट का होता है लेकिन यहाँ ढाई तीन फीट पानी है, इसमें ईंट लगाए हुए हैं तो ये ऊंचा स्थान पर बढ़ा हुआ है तो इस पर हम लोग खाना बना रहे हैं और खाना बना के आ रहे हैं। जब बारिश से लौना लकड़ी सब भींग जाता है तो मीठा चिवड़ा मंगाते हैं और जाते हैं बाज़ार तो लाते हैं, नाव है उसी से जाते हैं, पैसा किसी से कर्ज उधार लेते हैं तो नाव से जाते हैं। और देखिए प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है कि कम्युनिटी किचन भी चालू किया गया है तो फिर कम्युनिटी किचन में खाना खाते हैं आप लोग? कमेटी कल हम लोगों को सूचना मिला कि सीओ साहब दिए कि जे आइए रामनगर पर खाना बनेगा और वहाँ खाइएगा, तो हम लोग बोले मुना और हम कि देखिए हम लोगों को गांव में कम से कम 200 से लगभग 200 से आदमी हैं, लड़के बच्चे और बूढ़े जवान, तो हम लोग बोले कि मान लीजिए कि नाव पर हम बूढ़े बच्चे जवान को लेकर आएंगे, आंधी तूफान आ गया, बारिश आ गया, नाव को दुर्घटना हो गया तो इसको जिम्मेवार कौन होगा? हम लोग बोले कि हम लोगों को खाना दे दीजिए बनाकर, हम लोग नाव पर लाद कर ले जाएंगे और घर घर बांट देंगे, जिस व्यक्ति को जितना खाना है वो खाएंगे, अपना रहेंगे स्थिर से। और हमारी पत्नी है वो आज कोरोना का वैक्सीन लेने गई थी लेकिन कोरोना का वैक्सीन नहीं मिला, बहुत भीड़ हो गया, पहले नहीं हम पानी के चलते पहले नहीं पहुँच पाए हम लोग गए लगभग 11:30 बजे और गैस आज हमारा ख़त्म हो गया है। और बोले हैं अपने पत्नी से जी चिवड़ा और मीठा ले लीजिएगा और सतुआ ले लीजिएगा कि हम लोग थोड़ा बहुत खाना वाना खा कर और प्राण जी आएंगे, और नहीं तो लौना लकड़ी पसार कर गई है, बारिश नहीं होगा तो सूख जाएगा, तो कुछ चावल और खिचड़ी बनाकर खा। फिर सोना कैसे होता है आप लोगों का, चूँकि पानी तो चारों तरफ से पानी भरा हुआ है और इसी पानी के बीच में आप रह भी रहे हैं, आपके पैर भी पूरी तरह से, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये हम आपको दिखाना चाहेंगे कैमरे की नज़र से कि इनके पैर देखिए कि किस तरह से इनके पैर पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं, पानी से ये लग चुका है और इन्हें काफ़ी परेशानी भी होती होगी। कितनी समस्या होती है पैर जो पैर हमारे क्या सड़े हैं, हमारी पत्नी को इतना ना सड़ गया है कि वो रो रही है, जब पैर चार पाई पे और चौकी पे रखती है और बोलती है कि हम पानी में पैर नहीं रखेंगे, इतना ना उसका भी सड़ गया है, हमारा तो थोड़ा कम सड़ा हुआ है, बहुत हम लोगों को दिक्कत है पानी के चलते और सरकार का कोई निगाह नहीं है, हम लोगों को पास में पैसा नहीं है और सरकार हर साल बोलती है कि कहीं ऊँचे स्थान पर सरकारी ज़मीन में आप लोगों को हम बसाएंगे लेकिन ये कोई काम नहीं हो रहा है, हम लोगों को बहुत दिक्कत है सर। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार शासन प्रशासन की जो वादे हैं वो वादे कहीं ना कहीं अभी तक पूरे नहीं हो रहे हैं क्योंकि लगातार जिस तरह से ज़मीन देने की बातें की जा रही थी लेकिन वो ज़मीन भी नहीं मिल रहा है क्योंकि ये भूमिहीन है और इनके जो घर थे जो गंडक नदी के कटाव में कट गए, इसके बाद ये गंडक नदी के किनारे ही शरण ले लिए हैं, बावजूद ये अभी भी इनकी समस्याएँ कम नहीं हो रही है और बाढ़ के पानी, बाढ़ के विभीषिका
इनको उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है, और लगातार तस्वीरें आपने देखा किस तरह से इनके पूरे घर में पानी ही पानी है, और ये जांघ तक पानी, मेरे खुद आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये जांघ तक पानी में एक दिन के लिए इस घर में पहुंचे हैं, तो हमारा ये हालात है। लेकिन इनको तो रोज़ाना यहाँ पर रहना पड़ता है, और रोज़ाना का ये इनकी ये दस्तूर है, और लगातार समस्याएँ से घिरते जा रहे हैं। जिस तरह से इनका घर डूब चुका है, प्रशासन के द्वारा जो कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई है वो बांध पर ही बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर 3 किलोमीटर के दायरा होने के कारण यहाँ के लोग वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण खाने पीने के भी आफत आ चुकी है। अटल बिहारी पांडे, ईटीवी भारत, गोपालगंज।